नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का एक बार फिर से। हम हमेशा गरीबी के बादल छाए रहते हैं। दोस्तों, महान विद्वान बा कूटनीतिज्ञ के ज्ञाता आचार्य चाणक्य ने महिलाओं और पुरुषों को लेकर तमाम तरह की बातें बताई हैं, जिनका पालन करके आप एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। चाणक्य नीति में बताया गया है कि महिलाएँ यदि इन कामों को करती हैं तो पुरुषों को गलती से भी नहीं देखना चाहिए। ऐसा करना चाणक्य नीति में अपराध की तरह माना गया है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि पुरुषों को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और यदि आप रोजाना इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब चलिए मित्रों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, आचार्य चाणक्य के मुताबिक महिलाओं को कपड़े बदलते समय पुरुषों को नहीं देखना चाहिए। अगर गलती से आपकी नज़र उधर चली जाती है तो तुरंत ही हटा लेना चाहिए। यदि आप छुप छुप कर महिलाओं को कपड़े बदलते हुए देखते हैं तो इसे अपराध माना गया है और ऐसे लोगों से देवी देवता रूठ जाते हैं। और मित्रों, नंबर दो है, श्रृंगार करती हुई महिला को ना देखें। मित्रों, चाणक्य नीति के अनुसार जब महिला श्रृंगार कर रही होती है तो पुरुषों को नहीं देखना चाहिए। खासकर जब महिला काजल लगा रही हो तो गलती से भी आदमियों को नहीं देखना चाहिए। इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। यदि कोई महिला बच्चों की मालिश कर रही हो तो पुरुषों को नहीं देखना चाहिए। और मित्रों, नंबर तीन है, खाना खाती हुई महिला को भी ना देखें। दोस्तों, आज के समय में पति और पत्नी साथ में एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य के मुताबिक पुरुषों को महिलाओं को खाना खाते समय नहीं देखना चाहिए। महिलाओं को खाना खाते देखना शिष्टाचार के खिलाफ होता है। चाणक्य नीति के अनुसार खाना खाते समय महिलाओं को देखने से वो असहज हो जाती हैं, वह भी ठीक से खाना नहीं खा पाती हैं। और मित्रों, नंबर चार है, संभोग करती हुई महिला को कभी नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये एक ऐसा काम है जिसको करने से आपसे सारे देवी देवता और रूठ जाते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को देवी लक्ष्मी के समान माना जाता है। महिलाओं की नाभि में देवी देवता निवास करते हैं और महिलाओं की नाभि में उनकी शक्ति निहित होती है। और यदि आप ऐसा घोर पाप करेंगे तो इससे आपको भयंकर परिणाम झेलने पड़ेंगे। इसलिए दोस्तों, कभी भी भूल कर भी संभोग करती हुई स्त्री को नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आपका जीवन तबाह बर्बाद हो जाएगा।